सबसे पहले तो हमारी जो 84 की समझदार जनता है, जिसने मत का जो महत्व है वो समझा, तो मैं आप मीडिया के माध्यम से उनको पहले तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आभार जोहार करना चाहूंगा 84 की जनता को। और साथ ही आज मैं विधानसभा में आके शपथ ली है, पहला दिन है, और जनता का जो मेरे प्रति उनकी जो आशा है उम्मीदें हैं उन पे खरा उतरने की पूरी कोशिश रहेगी। और हमारे उस क्षेत्र में हम शिक्षा पे काम करेंगे, स्वास्थ्य पे, और हमारे जो बेरोजगार भाई हैं उन पे हमें काम करना है। और दूसरा है, हमारे दक्षिणी राजस्थान के अधिकतर जो वहाँ के लोग हैं वो पलायन करते हैं रोजगार के लिए गुजरात, हम कोशिश करेंगे उस प्लान को किसी हद तक रोके। बीएपी का लगातार वर्चस्व बढ़ता जा रहा है दक्षिण राजस्थान में। बीएपी ने जब भी दक्षिणी राजस्थान में विचारधारा को आगे बढ़ाया है, सच बोला है, झूठ की बुनियाद पे कभी वोट नहीं मांगे, और वहाँ का जो मतदाता है उनको हमने समझाया है कि वोट का महत्व क्या है, और आपका जो वोट का अधिकार है, जिसको आप वोट दे रहे हो वो व्यक्ति विधानसभा में जाकर के इस क्षेत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो इस चीज को हमने बार बार समझाने की कोशिश की और वहाँ की जो जनता है वो समझ रही है। अनिल जी, आपने बिल प्रदेश हमारे पुरखों की मांग है, हमारे पुरखों की मांग है, और उस मांग को हम अनवरत मांग रहे हैं। और कोशिश भी हमारी ये रहेगी कि हमारा जो चार राज्य है उन चार राज्यों को मिला करके 20 बिल प्रदेश की जो मांग है उस मांग को हम आगे भी निरंतर रखेंगे और कोशिश करेंगे कि हमें सेपरेट हमारा अलग से बिल प्रदेश मिल जाए। अनिल जी, आपने कहा जनता समझदार है, 71,000 का अंतर था जब राजकुमार रोज जीते, अब वो अंतर घट गया, बीजेपी अंतर घटा नहीं है, बीजेपी भी यही कह रही है अंतर घट गया, अगली बार हम वहां पर जीतेंगे, क्या कहना? ये जो चुनाव था उपचुनाव था, यहाँ पर पूरी सरकार लगी थी धन बल के साथ, मंत्री भी लगे थे, तो टोटल जितना भी तंत्र था 84 में लगा था और पैसा पानी की तरह बहाया, फिर भी हमारे पास उतना पैसा नहीं था, जनता ने चंदा करके हम लोगों को दिया। और मैंने पहले भी कहा, समझदार जो जनता है वोटर्स है, उन्होंने मतदान किया, और ये उपचुनाव था, थोड़ा बहुत उधर उधर हुआ है, अगली बार जब 28 में लौट के आएंगे तो आपको इसका जो जवाब है स्वतः ही मिल जाएगा कि वहाँ की जनता किस तरीके से जागरूक जनता है। धन्यवाद। संविधान की तरफी लेके यहाँ पे आया हूँ, और मैं संविधान की वजह से पहली बार तो मैं आज आपके यहाँ विधानसभा में पहुँचा हूँ, और मैं मेरे नेताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और मेरे को पार्टी का सिंबल दिलाया उसमें मुरैलाल जी मीणा हमारे दौसा के सांसद साहब, माननीय सचिन पायलट साहब, और इनका बहुत बड़ा रोल रहा मेरे को यहाँ पे विधानसभा संविधान के जो आपके नेता वहाँ संसद। मेरी बात सुनो, संविधान की होता है विधानसभा, संविधान की शपथ दिलाते हो तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि संविधान के प्रति कहीं खिलवाड़ हो रहा है, इसलिए मैं संविधान की प्रति ले समझाई हमने, अगर हम निष्ठा से काम करेंगे, जनहित में काम करेंगे। दौसा के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी पेयजल की समस्या है, जो इसर्दा प्रोजेक्ट था हमारा, जो मुरैलाल जी सांसद साहब से, गहलोत साहब टाइम पे सीएम साहब थे, सचिन पायलट साहब डिप्टी सीएम थे, उस टाइम इसर्दा प्रोजेक्ट पास हुआ था। ये सरकार बनने के बाद उस प्रोजेक्ट को या तो इन्होंने उसको बहुत कमजोर कर दिया उसको, वो 2023 लास्ट तक उसको पूरा होना था, अभी उनका आधा काम हुआ है। मेरी प्राथमिकता रहेगी अगर मैं इसर्दा प्रोजेक्ट को जल्दी जल्दी लोगों के बीच में पानी की पहुँचाऊँ। जैसा मेरी बात सुनो, जिस दिन मेरे को टिकट मिला था उस दिन ये तय हो गया था हम चुनाव दौसा का जीतेंगे। पहली बार दौसा के अंदर एक सर्व समाज ने मेरे को वोट दिया है, और मैं दौसा की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, देवनगरी दौसा की जनता को धन्यवाद देता हूँ। और मेरे जैसे गरीब परिवार के आदमी को वास्तव माना जाए तो पत्थर फोड़ने वाले को वोट दिया, और मेरे को यहाँ तक हो रहा है, मैं उस जनता के लिए यहाँ पे बातें रखूँगा। यहाँ पे देखो मेरी बात सुनो, ये सही सही बात है, मेरे पिताजी ने यहाँ पे दो चुनाव लड़े, पहले उपचुनाव लड़ा, एक तो उन्होंने वो चुनाव हारे, और मेरे को पायलट साहब ने मजबूती से मेरे को यहाँ पे एक मेरे प्रचार भी किया, उन्होंने मेरे को यहाँ पे टिकट भी दिलवाया, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ, और हम बहुत बहुत आभार रहेंगे उन लोगों के। आपकी जीत के पीछे किसका ज्यादा मानते हैं? सचिन पायलट।
ये जो जीत है वो खीवसर के आम जनता की जीत है, छत्तीसी कौम की जीत। इस बार खीवसर में जनता की जीत हुई है, खुद छत्तीसी कौम के लोग मिलकर चुनाव लड़े। और जब आप यहाँ पहुंचे बड़ी हार जीत कर पहुंचे, क्या जनता के लिए किस तरह से आपका रोड मैप होगा, किस तरह से काम करेंगे, ऐसी क्या समस्याएं हैं जो वहाँ अब तक नहीं हो पाई और अब आगे आप करेंगे? जनता का आशीर्वाद रहा है, जनता ने खुद ने चुनाव लड़ा है, प्रतिनिधि के रूप में मेरे को चुना है। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी, अब खीवसर का चौमुखी विकास होगा। जो विकास अवरुद्ध था सत्ता के विपक्ष, हमारा खीवसर हमेशा 15 साल से सत्ता के विरुद्ध है, विपक्ष में रहते हैं। तो हमारे बहुत बड़ा लंबा थोड़ा क्षेत्र है, 160 किलोमीटर दायरे में हमारा खीवसर का धरातल पे गांव ढाणियों में किसान जो रहते हैं, तो मूलभूत असुविधा है, पानी हो, बिजली हो, सड़कें हो, तो सारे तमाम जो विकास है वो नहीं हो पाया। अब भारतीय जनता पार्टी में हमारी खीवसर की भागीदारी है और सुनिश्चित हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मदन लाल जी शर्मा साहब और तमाम भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के सहयोग से हमारे खीवसर का चौमुखी विकास होगा। आरएमपी की एक भी सीट अब नहीं बची, विधानसभा भी उसकी हमें कोई क्या बात करनी है। अच्छा, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि। सांसद ने अपने जो कोटे के जो काम थे विकास कार्य खीवसर में वो तमाम अब विड्रॉ कर लिए, क्या लगता है कि ये कोई केवल जनता को दिखाने के लिए? उनकी ओछी मानसिकता है, जनता ने खीवसर की आम जनता ने छत्तीसगढ़ के लोगों ने उनको इतना लाड और प्यार दिया था और उनको धरातल पे जो जीरो से हीरो बनाया, उनको मजबूत किया। आज उन्होंने एक चुनाव हारने के बाद बोकलाइट में ऐसा जनता के प्रति जो ऐसा रवैया अपनाया और ऐसा एक निर्णय लिया, ये निंदनीय है। ये सरकार का खुद का पैसा नहीं है, ये जनता का पैसा है और जनता के विकास के लिए है। तो वहाँ उन्होंने वापिस जो विड्रॉ किया ये अच्छा नहीं है। अच्छा, जनता का भरोसा आप पर था और अब जनता चाहती है कि संगठन और जो नेतृत्व है उसका भरोसा भी आप पर बने और आगे विकास के लिए आप लोगों को सारे जनता को साथ लेके हमारे वरिष्ठ नेता धरातल से जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हर गांव के मुखियान, उनकी सलाह और मशुरा से हमारे क्षेत्र का चौमुखी विकास होगा और उनको हम मिल बैठ के खीवसर का विकास करेंगे। सरकार में हमारी भागीदारी है। थैंक यू सर, थैंक यू।